अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सही सलामत है। आज मैं फिर एक सलाद रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इफ्तार के लिए। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप 2 मिनट में इस सलाद को बना सकते हैं। खाने में भी टेस्टी बनती है। ये इफ्तार के लिए परफेक्ट सलाद है। तो हमें इफ्तार में हर रोज़ एक ही सलाद खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप अलग अलग तरीके से हेल्दी सलाद बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भिगा हुआ चना चिकपी लिया है, यानी चना लिया है। इसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, तो इसे हमें कच्चा ही लेना है। इसे पकाना बिल्कुल नहीं है, बॉईल बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन मूंग लिया है, मूंग दाल, जो साबुत मूंग दाल है, ये भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो मैंने इक्वल पोर्शन पर लिया है दोनों चना और मूंग दाल। तो हम इसे दोनों डाल रहे हैं एक बोल पर मिक्स करने के लिए। तो इसे मिक्स कर लेना है। तो आपको जितना बनाना है आप उतना ही बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ फ्रेश नारियल का जो स्लाइस है वो मैं डाल रही हूँ, और यहाँ पे कुछ एप्पल पीस करके मैं डाल रही हूँ, क्यूब है। तो इस तरह आप जितना डालना चाहे, आप अपने पसंद से कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। और मैं अभी खजूर डाल रही हूँ। खजूर को भी जो बीज है उसे निकाल के टुकड़ों में काट लेना है। अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल ना डालें, थोड़ा सा नमक, ताकि इसमें जो नमक का थोड़ा सा टेस्ट आए। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें और कुछ नहीं डालना है। आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ नमक से इसे बनाती हूँ। इस सलाद को बहुत ही हेल्दी है, इजी है बनाना और टेस्टी भी बनती है। अब इसे ज़रूर ट्राई करें और इफ्तार में शामिल करें, क्योंकि हर रोज़ एक ही सलाद अच्छा नहीं लगता। इफ्तार में जैसे हर रोज़ एक ही रेसिपी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल वैसे ही सलाद भी आप चेंज करके बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इफ्तार में हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सलाद रेसिपी पसंद आएगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहे और स्वस्थ रहे। अल्लाह हाफिज़।